टूटता तारा। बात कोई भी चल रही हो, टूटते तारे को देख के सब ऐसे ही उछलते हैं जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। अब भाई अजूबा ही है, दिखता इतना कम है वो, लेकिन आपने कभी ना कभी सितारों से चमचमाते आसमान में ये तेज रोशनी गिरते हुए जरूर देखी होगी, जो तारा ना होते हुए भी ऐसे लगती है जैसे कोई तारा टूट के गिर रहा हो। तो मतलब ये तारा नहीं है, लेकिन अगर ये तारा नहीं है तो फिर ये है क्या? जहाँ एक तरफ तारे बहुत बड़े गैस के गोले होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये टूटे तारे तारे नहीं बल्कि पत्थर, बर्फ और मेटल से मिलकर बने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें मीटियोर्स कहा जाता है। मीटियोर्स वो क्या है? स्पेस में सूरज के चारों ओर अलग अलग ग्रह तो घूमते ही हैं, साथ ही साथ अलग अलग आकार के पत्थर भी घूमते रहते हैं जिन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये एस्टेरॉइड्स ग्रहों से छोटे होते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, जब सूरज और ये बाकी ग्रह बने थे, तो कुछ पत्थर रह गए थे जो आज भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और इन्हीं को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। जब इन एस्टेरॉइड्स के आपस में टकराने से या किसी और तरह इनमें से कोई टुकड़ा टूट जाता है और अगर वो पृथ्वी के करीब हो तो वो पृथ्वी की तरफ खींचा चला आता है। ये टुकड़े काफ़ी तेज़ी से धरती की तरफ आते हैं और इनकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति सेकंड या उससे भी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही ये टुकड़ा हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है, इसकी इतनी स्पीड की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस दबती हैं और इतना गर्म हो जाती हैं कि ये जलकर चमकने लगता है और इसी को हम मीटियोर, हिंदी में उल्का और आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं। हर चीज़ को एक अलग नाम देना वैज्ञानिकों की पुरानी आदत है। तो वो टुकड़ा जो एस्टेरॉयड से अलग होकर गिरा था स्पेस में, उसे मीटियोरॉयड कहते हैं। जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आके जलकर चमकने लगता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, उसे मीटियोर कहते हैं। और जब कोई मीटियोर जलकर भी बच जाता है और हमारी धरती पर गिर जाता है तो उसे मीटियोराइट कहते हैं। ये मीटियोराइट बड़े काम के होते हैं, कई वैज्ञानिक इन पर रिसर्च करते हैं और इनसे उनको हमारे सोलर सिस्टम और हमारे यूनिवर्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। एक मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि नासा के मुताबिक हर दिन करीब 44,000 किलो मीटियोराइट हमारी धरती पे गिरते हैं। ज़्यादातर मीटियोराइड एक कंकड़ या पत्थर के बराबर ही होते हैं, इसलिए हमें उनके गिरने का पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ मीटियोराइड काफ़ी बड़े हो सकते हैं, काफ़ी। जैसे कुछ 50,000 साल पहले एरिजोना में गिरा एक मेटल का मीटियोरॉयड जो खुद 50 मीटर चौड़ा था और उसने वहाँ पर करीब 1 किलोमीटर चौड़ा खड्डा कर दिया था। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि कुछ 6 से 6.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती पे एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था जिसकी वजह से डायनासोर और कई अन्य जानवर हमारी धरती से ख़त्म हो गए थे। एक दो टूटते तारे तो ठीक हैं, लेकिन कभी कभार आप इन मीटियोर्स की बरसात होते हुए देख सकते हैं, जिसे मीटियोर शावर कहते हैं, जिसमें आप हर घंटे कई दर्जन और कई 100 मीटियोर्स रात के काले आसमान में देख सकते हैं। पर ये मीटियोर्स थोड़े अलग होते हैं। ये मीटियोर्स एस्टेरॉयड से नहीं बल्कि कॉमेट से आते हैं। कॉमेट्स एस्टेरॉयड के जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़े अलग भी। एस्टेरॉयड्स पत्थर या मेटल से बने होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत आइस होती है, पर कॉमेट्स में बर्फ और पत्थर लगभग बराबर मात्रा में मौजूद होता है। उनमें मौजूद बर्फ सूरज की गर्मी से गैस में तब्दील हो जाती है और इसीलिए कॉमेट्स के पीछे हमेशा एक डस्ट और गैस की पूंछ जैसी बनी रहती है। कभी कभार ये कॉमेट्स पृथ्वी के रास्ते से गुजरते हैं और अपने कुछ छोटे छोटे टुकड़े छोड़ जाते हैं। ये टुकड़े वहाँ पर काफ़ी समय तक रह सकते हैं और जब पृथ्वी वहाँ से गुजरती है तो ये सारे छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिर जाते हैं और हर एक टुकड़ा मीटियोर बन जाता है। इसी को मीटियोर शावर कहते हैं और हर साल कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें इन मीटियोर्स की बरसात होती है, जैसे जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसका मतलब मौके कम नहीं है हमारे पास ये मीटियोर शावर देखने के लिए।
और इस अगस्त मैं तो पक्का जाने वाली हूँ भाई मीटियोर शॉवर देखने। तो आई होप आपको आज का ये टिमटिमाता वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल फ्री है, और घंटी दबाना मत भूलना ताकि मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको खबर मिल जाए। बस यही यही चाहते हैं।